बॉलीवुड बुलेटिन 24 अक्टूबर से एनटीआर जूनियर स्टारर देवरा का दूसरा शेड्यूल शुरू करेंगी जान्हवी कपूर यह फिल्म एनटीआर जूनियर को निर्देशक कोराताला शिवा के साथ उनके आखिरी सहयोग जनता गैराज के बाद फिर से जोड़ती है जो 2016 में रिलीज हुई थी एक सूत्र के मुताबिक जानावी 24 अक्टूबर को एनटीआर जूनियर के साथ देवरा के लिए दूसरा शूट शेड्यूल शुरू करेंगी अभिनेत्री ने पहले शेड्यूल की शूटिंग केवल तीन दिनों के लिए की थी वह अक्टूबर से गोवा में प्रोजेक्ट की शूटिंग में व्यस्त रहेंगी और शूटिंग शेड्यूल लगभग तीन से चार महीने यानी जनवरी तक बढ़ाया जाएगा इससे पहले निर्देशक कोराताला शिवा ने खुलासा किया था कि इसकी कहानी के साथ न्याय करने के लिए फिल्म दो भागों में रिलीज़ होगी कोराटाला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा कि फिल्म तटीय भारत की भूमि पर आधारित है और कैनवास बहुत बड़ा है जैसे ही हमने फिल्म की शूटिंग शुरू की कैनवास अपने आप सामने आ गया और बड़ा होने लगा फिल्म में हर किरदार का अपना महत्व है और उन्हें गहराई से विस्तार तलाशने की जरूरत है जिसे हम एक हिस्से में उचित नहीं ठहरा सकते शिव शक्तित त्याग तांडव में शिव पार्वती के विवाह के लिए सहमत हुई मैनावती मैनावती ने पार्वती की परेशानी को देखते हुए झूठा दावा किया कि वह भगवान शिव से विवाह कर सकती है हालांकि पार्वती का मन उसे धोखे पर संदेह करने के लिए प्रेरित करता है और वह विष्णु से इस धोखेबाज योजना में मैनावती की भागीदारी पर सवाल उठाते हुए उसकी असली पहचान प्रकट करने की मांग करती है परेशान होकर मैनावती सारा दोष उमा पर मढ़ने का प्रयास करती है जवाब में उमा मैनावती को उसके अहंकार और अभिमान के बारे में जागरूक करने का प्रयास करती है यह मैनावती को उमा की असली पहचान के बारे में पूछताछ करने के लिए प्रेरित करता है जिसके परिणामस्वरूप उमा और पार्वती अपने दिव्य रूपों यानी आदि शक्ति और महादेव को प्रकट करती है अपनी बेटी की दिव्यता को देखकर मैनावती का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह पार्वती और शिव के बीच विवाह के लिए सहमत हो जाती है शिव और पार्वती की आसन्न शादी की खबर तेज़ी से फैलती है और शिव कैलाश लौट आते हैं और नंदी को शादी की तैयारी शुरू करने का निर्देश देते हैं गणपत की रिलीज पर टाइगर श्रॉफ ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में लिया आशीर्वाद अभिनेता को हाथी दांत के रंग का फ्लोरल प्रिंट कुर्ता पहने देखा गया उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी की और रिलीज के दिन आशीर्वाद मांगा गणपत ए हीरो इस बॉन्ड में, में मेगास्टार अमिताभ बच्चन भी हैं इस फिल्म ने टाइगर को उनकी हीरोपंती अभिनेत्री कृति सेनन के साथ फिर से जोड़ा है जिन्हें हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गणपत ए हीरो इज बॉर्न एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित है इसे हिंदी तमिल तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज किया गया है विकास बहल द्वारा निर्देशित यह फिल्म वाशु भगनानी जैकी भगनानी दीपशिखा देशमुख और विकास बहल द्वारा निर्मित है रक्षित शेट्टी की सप्त सागरदाचे एलो साइड बी सत्रह नवंबर को होगी रिलीज सूत्रों की माने तो साइड बी सत्रह नवंबर को सिनेमाघरों में आएगा रक्षित शेट्टी ने एक्स पर लिखा क्या भाग्य की दिशा में बदलाव आएगा सप्त सागरदाचे एलोसाइड बी सत्रह नवंबर को कन्नड़ तेलुगु तमिल और मलयालम में रिलीज होगी रोमांस ड्रामा थ्रिलर फिल्म सप्त सागरदाचे एलोसाइड ए मनु नाम के एक ड्राइवर की कहानी है जो चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया उसके साथ चले खुशहाल कपल की जिंदगी में तब तूफान आता है जब मनु को उस अपराध के लिए जेल जाना पड़ता है जो उसने किया ही नहीं है ये परिस्थितियां उनके रिश्ते में दरार डालने लगती हैं एक तरफ मनो अपने सपनों को फिर से प्रिया संग संजोना शुरू करता है लेकिन प्रिया जीवन जीने के लिए सुरक्षित हमसफर की तलाश में होती है बी एन टी की खास पेशकश